कप्तानों के कप्तान बने विराट, तोड़ा धोनी और अजहर का रिकॉर्ड। इंदौर के होलकर स्टेडियम में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को सीरीज के पहले टेस्ट में एक पारी और 130 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक खास कीर्तिमान अपने नाम कर लिया और पूर्व कप्तान एमएस धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन को पछाड़ दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर में जीत के साथ ही विराट कोहली सर्वाधिक 10 बार एक पारी से दुश्मन को मात देने वाले भारतीय कप्तान बन गए। उन्होंने दिग्गज कप्तान एमएस धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया है। धोनी ने एक पारी से 9 बार और अजहर ने यह कारनामा अपनी कप्तानी में 8 बार किया है। यह भारत की लगातार छठी टेस्ट जीत है। यह लगातार 8वां मौका भी है जब इंदौर का होलकर स्टेडियम भारतीय टीम की जीत का गवाह बना। साथ साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अव्वल चल रही टीम इंडिया ने अपनी बादशाहत और मजबूत कर ली है। भारतीय टीम ने लगातार तीसरा टेस्ट एक पारी और रन के अंतर से जीता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पुणे टेस्ट में एक पारी और 137 रन से हराया था। वहीं इसी सीरीज में रांची टेस्ट को भी पारी और 202 रन से जीता था। शनिवार को इंदौर के होलकर मैदान पर विराट सेना ने बांग्लादेश को पारी और 130 रन से पटखनी दी है। विराट कोहली ने धोनी के एक खास रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है जो उन्होंने साल 2013 में बनाया था। धोनी ने 2013 में लगातार 6 टेस्ट मैच जीते थे। विराट ने भी ये उपलब्धि वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को हराकर हासिल कर ली है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट जीते थे। विराट ने 2 विंडीज के खिलाफ, 3 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और 1 बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मुकाबला जीतकर धोनी की बराबरी कर ली है।